इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड T10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 1 के बारे में जो आपका खेला जा रहा है दोस्तों TWI और SPA टीम के बीच में। ये जो मैच है दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 2:15 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग आपको दोनों टीमों के सभी प्लेयर का बैटिंग पोजिशन, उनका रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस और वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मैच में आपको किस तरह से बेस्ट 11 प्लेयर चूज़ करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इस टूर्नामेंट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, एक तो बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, ठीक ना, फर्स्ट तो ये। सेकेंड, प्लेयर बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं। पता चलता है इस मैच में जो प्लेयर खेले अगले मैच में उसमें से 6 प्लेयर नहीं खेलते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी प्लेयर का रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उनको टीम में सेलेक्ट करना। मैंने ऐसे अपना फाइनल टीम भी शेयर कर दिया है जिसको आप सेव ज़रूर कर लीजिएगा। उस टीम में यदि मैं कोई चेंज करता हूँ लास्ट टाइम में दोस्तों, यदि मान के चलो उस टीम में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है, तो फाइनल टीम एक बार मैं टेलीग्राम पर भी फिर से शेयर कर दूंगा। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो इंपॉर्टेंट ये है कि ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको देखो तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो का, नहीं तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए, वहां पर भी टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा जिससे आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो भी इसी टूर्नामेंट का आपका रहने वाला है। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं TWI और SPA के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे, पिच रिपोर्ट क्या हो सकता है और बेस्ट 11 प्लेयर किसको हम लोग चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिच के बारे में, ठीक ना। पिच का दोस्तों बात करें तो देखो दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है, ओके ना। जो पिच है वो आर्टिफिशियल मैट का दोस्तों विकेट है, सॉइल का विकेट दोस्तों कभी भी T10 में यूज होता नहीं है। और ये जो आर्टिफिशियल मैट का विकेट होता है ना, देखो यहाँ पे ना आपको स्विंग हमेशा रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो विकेट होता है ना बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्राउंड का साइज। ये जो ग्राउंड का डायमेंशन होता है ना बहुत छोटा होता है, जिसे इनका जो एवरेज स्कोर रहता है हमेशा 100+ रहता है, ठीक ना। तो इस मैच का भी जो एवरेज स्कोर आपका रहेगा ध्यान रखिएगा 110 और 113 के बीच में रहेगा, ओके ना दोस्तों। रीज़न क्या है तो मेन है दोस्तों ग्राउंड का साइज। पिच जो रहता है वो दोस्तों थोड़ा सा स्विंग स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन वो भी फिर दोस्तों गायब हो जाता है। और मैक्सिमम विकेट का बात करें तो ये एक चीज़ दोस्तों हमको देख के अच्छा लगा है कि यहाँ पे ना पेसर को कम विकेट मिल रहा है, स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिल रहा है। और इसका रीज़न जानते हो दोस्तों क्या है, यदि आप मैच देखते हो तो आपको पता होगा भाई साहब, फास्ट बॉलर खेलेंगे तभी तो विकेट मिलेगा। टीम दोस्तों क्या कर रही है, 6 स्पिनर को खिलाती है तो 1 फास्ट बॉलर को खिलाती है, ये हाल है अभी। तो इसलिए जो विकेट आप देखोगे 90% विकेट स्पिनर लेके जा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि भाई फास्ट बॉलर खेल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ स्पिनर खेल रहे हैं। विकेट जाएगा तो फिर स्पिनर को मिलेगा, फास्ट बॉलर बहुत कम खेल रहे हैं। तो ये नहीं है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिल रहा है, खेलेंगे तभी विकेट मिलेगा, स्पिनर खेल रहे हैं इसलिए उनको विकेट मिल रहा है। एवरेज स्कोर का थोड़ा सा मेन ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए पिच रिपोर्ट क्लियर हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने बेस्ट 11 प्लेयर पे। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टी बार्कर, यदि खेलते हैं तो ले लेना क्योंकि ओपन बैटिंग करेंगे, ज़्यादा रन तो ऐसे स्कोर नहीं करेंगे, पूरे टूर्नामेंट में बहुत ख़राब इन्होंने बैटिंग किया है। लेकिन यदि ओपन बैटिंग करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे और 25 रन का स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक ना। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको सी बोथे का ऑप्शन मिलेगा। ये बंदा दोस्तों देखो ओवरऑल टूर्नामेंट में सिर्फ 1 से 2 मैच में ही परफॉर्म किया, अदर मैच में ये फ्लॉप ही गया, बट ये विकेट कीपिंग से आपको एक अच्छा खासा पॉइंट दे जाते हैं। तो एज अ विकेट कीपर प्लस बैट्समैन आप लेना चाहते हो तो एक सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मैच में, ठीक ना। आप कंसीडर दोस्तों चल कर सकते हैं। मैक्सिमम बात करें बैटिंग से तो आपको ये 15 से 20 रन का स्कोर करके बैटिंग से दे सकते हैं। विकेट कीपिंग करे तो लेना, विकेट कीपिंग ना करे तो ना लेना, क्योंकि कुछ मैच में ये विकेट कीपिंग नहीं करते तो वहाँ पर फिर इनका इंपॉर्टेंस जो है ना वो जीरो हो जाता है, क्योंकि मेन इनका काम विकेट कीपिंग से आपको 15-20 फैंटीसी पॉइंट दे जाए और बैटिंग से 20 फैंटीसी पॉइंट दे जाए तो वो 40 फैंटीसी पॉइंट हो जाता है, तब सही है। लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक ना। और ये चीज़ मैं लास्ट जब फाइनल प्लेइंग 11 आपको सेंड करूँगा जो आता है वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा।
नीचे से जिनको मैं अभी टीम में लेना चाहूँगा ना वो है दोस्तों ईडेक। ईडेक को क्यों लेना चाहूँगा उसका रीज़न बताता हूँ। लास्ट मैच में भाई 61 रन स्कोर किए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 62 स्कोर किए हैं, सिर्फ 19 बॉल में भाई ने 62 स्कोर किया है। और इससे दो ही मैच खेले टूर्नामेंट में, इससे पहले वाले मैच में चांस नहीं मिला था, लास्ट मैच में चांस मिला तो भाई ने गजब का परफॉर्मेंस किया। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने इनको लिया है। यदि टी बारकर खेलते हैं तो फिर मैं टी बारकर को लूँगा, यदि ये नहीं खेलते तो फिर मैं एक ही विकेट कीपर के साथ जाने वाला हूँ। बैटिंग सेक्शन से टी जॉनसन को आपको ले लेना है। बैटिंग से तो डेफिनेटली फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन दो ओवर का बॉलिंग सभी मैच में कर रहे हैं और विकेट लेके जा रहे हैं, तो एज अ बॉलर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। डी एडम्स यार कल के दिन इन्होंने बहुत शानदार बैटिंग किया, दोनों मैच में दोस्तों शानदार 40 प्लस स्कोर करके गए, जरूर आपको लेना चाहिए। डी मैसफील्ड बॉलिंग से और साथ ही साथ बैटिंग से दोनों से आपके लिए काम करके जाएंगे, ज़रूर आप इनको भी लेके चलो। सिंगल टीम से भी ड्रॉप प्लीज़ मत करना, कोई ड्रॉप करके आएगा भी नहीं और आपको भी यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आइएगा दोस्तों तो पी डेक्सन का ऑप्शन मिलेगा। देखो पी डेक्सन पे आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, उतना अच्छा दोस्तों फॉर्म में नहीं चल रहा है, फ्लॉप ज़्यादा जा रहा है, बैटिंग से स्कोर कम हो रहा है। पूरे टूर्नामेंट का बात करें तो दो मैच मेरे को याद आता है जहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, एक तो ये मैच है जिसमें 55 रन स्कोर किए थे और एक था दोस्तों फर्स्ट मैच जहाँ पे इन्होंने 22 रन स्कोर किए थे, अदर मैच में उतना खास किए नहीं है। सिलेक्शन हाई ज़रूर है बट देखो इनके जगह किन पे आपको रिस्क लेना चाहिए तो बॉलिंग सेक्शन से ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो इनके जगह रिस्क ले सकते हो, नॉट अ बैड, ठीक ना। एन डेब्लोट और पी डेक्सन दोनों में से कोई एक ही लेना, क्योंकि देखो दोनों तो परफॉर्म करने वाले नहीं है एक मैच में, दोनों में से कोई एक ही परफॉर्म करेगा अदरवाइज दोनों फ्लॉप जा सकता है, तो मैं अभी के लिए इनको ले लिया हूँ, मैं इनको अभी नहीं ले रहा हूँ। डब्ल्यू केन यदि खेलता है तो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है, लेकिन चांस बहुत कम है कि खेलेगा, लेट्स सी दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, ओपन बैटिंग करेगा लेकिन लास्ट 3-4 मैच से नहीं खेल रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी टीम में नहीं ले रहा हूँ। एम एवेंस खेले तब भी आप फोकस मत करना, उतना अच्छा प्लेयर नहीं है। चलिए आते हैं दोस्तों इधर हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन में, जहाँ पे आपको एफ फॉली को ले लेना है, दो ओवर का बॉलिंग और साथ ही साथ दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग, मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है, ड्रॉप दोस्तों आप नहीं कीजिएगा। फिर नीचे दोस्तों आपको बी भेन का ऑप्शन मिलेगा, अनदर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो दो ओवर का ज़रूर बॉलिंग करके देगा, बैटिंग से ज़्यादा रन नहीं कर सकता है, हो सकता है दोस्तों 10 से 15 रन करके ही आउट हो जाए, लेकिन एज अ बॉलर मुझे लगता है आपको इनको ज़रूर चांस देना चाहिए अपने टीम में। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको डी मलुआगे का ऑप्शन मिलेगा, अच्छा प्लेयर है दोस्तों, टीम का कैप्टन भी और बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेता है, बैटिंग से आप इनसे 20 रन का उम्मीद करिए, बॉलिंग से एक विकेट का उम्मीद कीजिए, ज़रूर आपको टीम में लेके चलना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ये तीनों प्लेयर आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। नीचे दोस्तों ई बैगर यदि खेलता है तो बॉलिंग से आपको ज़रूर काम करके देगा, थोड़ा सा फोकस ज़रूर रखिएगा, खेलेगा तो स्मॉल लीग टीम में ज़रूर लीजिएगा, ग्रैंड लीग में आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग टीम से ड्रॉप इनको नहीं कीजिएगा यदि खेलते हैं तो। ए जाफ्री खेले तब भी मैं सिर्फ ग्रैंड लीग में ही रिकमेंड करूँगा, स्मॉल लीग में मैं नहीं लेने वाला उनको। हाँ नीचे से दोस्तों यदि एन नुमोला खेलता है तो यार एक बहुत अच्छा बॉलर है, इनको आप स्मॉल लीग में भी बैक कर सकते हो, सिर्फ 1% सिलेक्शन है, उसका रीज़न क्या है, लास्ट कुछ मैच से खेल नहीं रहे इसलिए लोग अभी इनको टीम में ले नहीं रहे, बट यदि खेलते हैं तो काफ़ी अच्छे बॉलर है दोस्तों, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं और विकेट भी लेके जाते हैं। और नीचे से कुछ खास ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा है, अब डायरेक्ट बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। बॉलिंग सेक्शन से ये तीन प्लेयर को मैं अभी के लिए टीम में बैक किया हूँ। एफ ओलेट तो यार मेरे टीम में रहेंगे ही रहेंगे, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इनको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, बहुत शानदार दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है। कल का दिन उतना अच्छा इनका नहीं गया है बट उससे पहले इन्होंने कंसिस्टेंट दोस्तों आपको 50-60-70 फैंटीसी पॉइंट सभी मैच में देते थे। ए मकानजे अच्छे दोस्तों स्पिन बॉलर है और इस मैच में भी आप इनसे एक विकेट का उम्मीद जरूर रखना, क्योंकि भाई ने जितना भी मैच खेला है ना इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा कोई मैच रहा नहीं है जहां पे इनको विकेट ना मिला हो, तो ये एडवांटेज इनको ले लेना। ए माथर को मैं ले जरूर रहा हूँ लेकिन मेरे पास ऑप्शन है ए माथर और नीचे से एच स्कॉडर्ड, ये दोनों में से कोई एक ही मैं ले पाऊँगा। माथर को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके बैटिंग से स्कोर कर गए थे, लेकिन स्टिल बॉलिंग से मुझे उम्मीद कम लग रहा है कि ये विकेट लेके जाएंगे, तो ये दोनों प्लेयर को ना आप अपने टीम में रोटेशन में ज़रूर ट्राई करना, ये दोनों को कर सकते हो, नहीं तो सेम रोटेशन आप यूज़ कर सकते हो पी डेक्सन के साथ ये इनका, ओके ये दो रोटेशन इस मैच में आप ट्राई कर सकते हो। जेड ओवरखेल पता नहीं यार कल के दिन ये कहाँ गायब थे, बॉलिंग ही दोस्तों कर नहीं रहे थे इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ।
पी मिलर यदि खेलता है तो बहुत बढ़िया दोस्तों बॉलर है, ध्यान होगा। कल के दिन दोस्तों जो हम लोगों ने फर्स्ट मैच में अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था उसमें सबसे बड़ा किसी का हाथ था तो पी मिलर का था, कोई लेके नहीं आया था, 3 विकेट दोस्तों ये लेके चले गए थे। थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से इन पर फोकस ज़रूर रखेंगे यदि खेलेंगे तो। चलिए अब बात कर ले कैप्टन बीसी किसको किया जाए, बहुत क्लियर हूँ मैं दोस्तों। देखो इस मैच में मैं 3 ही अभी के लिए कैप्टन बीसी चूज़ किया हूँ, टी जॉनसन ठीक ना, एफ वॉली दो ऑप्शन ये हो गया और नीचे से एफ होलर, ये 3 ऑप्शन को दोस्तों मेनली आपको अपने टीम में कैप्टन बीसी कंसीडर करके चलना है, जिनको मैं अभी के लिए मैं ये दोनों को कैप्टन बीसी किया हूँ। और आप लोग भी सेव कर लीजिए कम्बिनेशन, कोई चेंजेस करना भी होगा इस टीम में फाइनल प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए तो मैं आपको यदि कोई चेंज करता भी हूँ तो टेलीग्राम पे एक बार फिर से फाइनल टीम में शेयर कर दूंगा। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ठीक ना, मिस नहीं कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए और टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, मिस नहीं कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।